भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने, एक बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर अर्चना कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया, ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए, अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं, तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए। तो कहा, जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों, इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करे, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना उसकी अर्चना उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें किसी थाली में या पात्र में जिस पर में जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र क्या, आपको कथा में कल कहा था, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उसके ऊपर शिवलिंग, उसका लाभ आनंदित होगा, उसका सुख आनंदित, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं, माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है महाराज, हस्त कमल सुख देने के लिए। तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें, माता सती ने भी किया, यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर जलाशय में कुंड में जल में बावड़ी में कुएं में तालाब में उसका विसर्जन करती मां। दूसरा कारण कहा, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है कि पहले आती है नवमी फिर आवेगी एकादशी देवसोनी। तो भंडारिया नवमी का मतलब क्या होता है, भंडारिया नवमी का स्मरण क्या होता है, अभी आपको कहा था नौ जगह पर बेलपत्र चढ़ती है। भंडारिया नवमी का मतलब ही है ये कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन नौ बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर भगवान शिव के मंदिर में बैठ कर भगवान शंकर की आराधना कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ
अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं। भंडरिया नवमी के दिन और एकादशी के दिन से देव सोनी एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं, पूरे कार्यभार। जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। ये तीसरा कारण है शंकर को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा करिए कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करा कि ये कारण भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब करी, खूब दिल से करी। ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो 1 बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ सुंदर सुरक्षित खंडित ना हो वो मुझे समर्पित करो। 1 चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, 1 फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, 1 पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था, उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कथा है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पांव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा, लच्छा मतलब मौली, मौली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांध कर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। सारे देवताओं के मंदिर में नरियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नरियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नरियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नरियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नरियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, 1 चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए, उसमें जब सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा, ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान
पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का। और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये दो महीने श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, दो दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस जो पेड़ तुम्हारे यहां लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहां लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें। अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव दो महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो, हमने दुनिया का काम कर देख लिया। हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोक धोक के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा।